छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद आज टीएस सिंहदेव गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव के दौरे पर हैं, जहां वो किडनी रोग से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से लगातार मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री बीमारी से जूझ रहे परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि इस गांव के पानी में हानिकारक रसायन है, जिसकी वजह से अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद सीएम ने एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए थे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर 70 मौतर जो मौत हो चुकी है, और इन मौतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं रासायनिक जो पानी में मिले होते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन अब तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि आखिर ये किडनी की बीमारी यहाँ पर क्यों होती है। क्या अब स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने से जो यहाँ की जनता आवाज उठाती रही है और फिर भी उनकी सुनी नहीं गई, कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी और नेता वहां नहीं पहुंचता था, तो क्या अब वहां के हालात सुधरेंगे? देखिए दीपक, सुपेबेड़ा के जो हालात हैं वो काफ़ी चिंताजनक अभी भी बने हुए हैं। जिस तरीके से अभी 70वें व्यक्ति की वहाँ पर मौत हुई है, और वहाँ पर पूरा जो परिदृश्य है वो काफ़ी कुछ बयां करता है। हालांकि 70वें व्यक्ति की मौत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को भेजने की बात कही थी, और आज स्वास्थ्य सचिव और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो सुपेबेड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा कि आखिरकार क्या कारण है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य शिविर वहाँ पर लगाया गया उसका भी निरीक्षण वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। निश्चित तौर पर काफ़ी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो इस मामले को जोर शोर से उन्होंने उठाया था और कहा था कि सुपेबेड़ा की जो स्थिति है उसको बेहतर किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो हालात हैं वहाँ के बदतर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो काफ़ी खौफ में हैं। समय समय पर वो अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो किडनी की बीमारी ने चपेट इस तरीके से पूरे गांव को लिया है, कहीं ना कहीं उसका दंश उनको झेलना पड़ रहा है। आज वहाँ पर टीएस सिंहदेव पहुँचे हैं और तमाम दिशा निर्देश वहाँ पर स्वास्थ्य सचिव और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको वो देते नजर आएंगे। हालांकि वहाँ से लौटने के बाद एक प्रदेश स्तरीय बैठक यहाँ पर हो जाएगी और मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि सुपेबेड़ा की स्थिति को बेहतर किया जाएगा। ये सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि एक 2 से 3 दिन बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुपेबेड़ा जा सकते हैं। बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से वहां पर जो पानी की वजह से बीमारी बताई जा रही है, लेकिन जब अगर पता है कि पानी की वजह से या पानी में ऐसे रसायन हैं जिसकी वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है किडनी की, और किडनी खराब होने के कगार पर आ जाती है, तो क्या वहां पर ऐसे पानी की व्यवस्थाएं नहीं की गई है अब तक, या फिर अगर स्टेप उठाया भी जाएगा सरकार की तरफ से तो वो स्टेप क्या होगा? देखिए, वहाँ पर दावे बहुत सारे किए गए लेकिन उसको अमलीजामा पहुँचाने का काम वहाँ पर नहीं हुआ। इस तरीके से ये शिकायत वहाँ पर आई थी और जो बीमारी है वो पानी से ही उसकी शुरुआत हुई थी। पानी का टेस्ट भी किया गया, फॉरेंसिक लैब भी भेजा गया, उसके बावजूद ना कोई उपाय वहाँ पर किए गए, बल्कि ये कहा गया कि स्वास्थ्य परीक्षण वहाँ पर किया जा रहा है, लोगों का घरों में जाके जो डॉक्टर्स हैं वो चेक कर रहे हैं, लेकिन इससे स्थिति नहीं सुधरने वाली। जब तक वहाँ पर ठोस उपाय नहीं किए जाएंगे इसी तरीके से जो हालात है वो वहाँ पर रहते नजर आएंगे। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है, खुद स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं और स्वास्थ्य मंत्री का खुद वहाँ पर पहुँचना, जबकि आज गांधी जयंती है, कई सारे कार्यक्रम आज सरकार कर रही है, ऐसे में वहाँ पर पहुँचना कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाता है और वहाँ पर एक कोशिश सरकार कर रही है कि जो हालात वहाँ पर बिगड़े हैं उस हालात को ठीक किया जाए। वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के अलावा कौन कौन से स्थानीय नेता भी मौजूद रहने वाले, कौन कौन से विधायक इस दौरान वहां पर पहुंचेंगे?
हाँ देखिए, जो स्थानीय नेता हैं, चाहे जिला पंचायत जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र है उसके चलते यहाँ पर रायपुर आए हैं। तो स्थानीय नेता के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हैं जिले के, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट वहाँ पर जो लोकल बॉडी है प्रशासन की, वो स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा जाएगा और वहाँ से फिर रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाएगा कि क्या वहाँ प्रयास किया जाए। हालांकि ये पूरी जो उम्मीद है जताई जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आने के बाद एक तरीके से दिशा निर्देश वहाँ पर देंगे और एक तरीके से जो यहाँ का स्वास्थ्य महकमा है वो भी वहाँ पर जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए, हेमंत हमारे साथ बने रहेगा, हम आपसे और भी सवाल जानेंगे, लेकिन हमारे साथ पुरुषोत्तम जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरीके से देखा जाए, आज स्वास्थ्य मंत्री पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव भी वहां पहुंच रहे हैं इस वक्त, जो क्या अभी वो पहुंच चुके हैं, और वहां पे पहुंचने के बाद क्या कुछ जानकारी लोगों से जुटाएंगे, वो वहां पर स्वास्थ्य जो परिस्थिति है उसके बारे में भी जानेंगे, निरीक्षण करेंगे वहां पर जाकर, तो क्या कुछ आज करने वाले हैं यहाँ पर टीएस सिंहदेव जी? जी, फिलहाल डीएस सिंहदेव यहाँ पर पहुंच चुके हैं गांव और बात कर रहे हैं। वो जानकारी ये कर रहे हैं कि जब 9 महीना पहले वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि राजधानी में पहुंचकर वो डायलिसिस कराएं, लेकिन इन 9 महीने में केवल 9-7 लोग ही वहां तक पहुंचे थे, जिसमें केवल एकमात्र पीड़ित जो है डायलिसिस कराया था, जबकि 23 ऐसे लोग हैं जिन्हें डायलिसिस की जरूरत है। तो इन सब सभी कारणों को सीधे संवाद कर वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं और बीच बीच में ग्रामीण भी उनसे सवाल कर रहे हैं। सवालों के जवाब में अभी दो बड़ी बातें उन्होंने बताई है कि यहाँ पे सुपेबेड़ा प्रॉपर सुपेबेड़ा के लिए एक नियमित विशेषज्ञ की नियुक्ति वो कर दिए हैं, जो 2 दिन के अंदर यहाँ गांव में पहुंच जाएंगे, और डॉक्टरों की जो मानसिक स्थिति ठीक रहे, उनकी मना स्थिति भी काम करने के लिए बना रहे, इसके लिए ये व्यवस्था भी किया हुआ है कि जो डॉक्टर आएंगे वो 2-2 महीना में बदलते रहेंगे, ताकि वो सीधा यहाँ जुड़े रहे ग्रामीण से और दिल से यहाँ काम करने लगे, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित किया है। और ये बात भी उन्होंने बताया है कि जो सेल नदी से पानी मिलना है ग्रामीणों को, करीब 8 करोड़ का बजट है, जो कि अगले बरसात के आने से पहले तक के सूखे बेड़ा के लोगों को वो पानी भी मिल जाएगा, ये बात भी उन्होंने बताई है। ग्रामीण ग्रामीण उनको कुछ ग्रामीण जो है कुछ ग्रामीणों से भी ये बात बता पूछ रहे हैं कि जब ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जो रिपोर्ट है अभी तक मिली नहीं है, तो उससे मंत्री जी ने स्पष्ट कराया है कि जो पिछली सरकार के समय जिस तरह से चल रहा था, रवैया चल रहा था, उससे तेज गति से हम इसमें काम करेंगे। मंत्री ये भी बता रहे हैं कि जो सुपेबेड़ा में जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, केवल सुपेबेड़ा में नहीं है, प्रदेश के महासमुंद के अलावा पश्चिम उड़ीसा में इस तरह की बीमारी देखे जा रहे हैं, तो हायर सेंटर में जहां भी इसकी शोध की जरूरत पड़ी है वहां पे शोध करवा रहे हैं, बहुत जल्दी ही इसके परिणाम आएंगे कि किस वजह से हो रहा है। लेकिन वो ग्रामीणों से सीधे अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नशा पान जो खान पान है उनमें भी सुधार करें, इस बात की भी वो अपील अभी चौपाल में बैठकर सीधे सीधे कर रहे हैं। पुरुषोत्तम, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने के बाद लोगों के चेहरे पर राहत है कि उन्हें अब लगे कि हाँ, ये सरकार को हमने वोट दिया था, तो अब शायद सूपे बेड़ा के हालात सुधरेंगे? निश्चित तौर पे जी पुरुषोत्तम, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो सरकार आने से पहले कांग्रेस उनको भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस सरकार में सुपेबेड़ा के लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलेगा, सुपेबेड़ा के पीड़ित लोगों को ध्यान दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो देखने को जब ग्रामीणों को मिल रहा है तो राहत भरी नजरों से वो देख रहे हैं और बड़े इत्मीनान से बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हम पिछली सरकार में कई मरतबे यहाँ पे कार्यक्रम को हमने कवर करने पहुंचे थे, ग्रामीणों का सकता था वो आक्रोश अब ग्रामीण नहीं दिख रहे हैं, बल्कि सीधे संवाद के तौर पे अपनी समस्या रख रहे हैं और जो सुलझने हैं जो उलझने हैं उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सरकार के साथ पब्लिक का सीधा संवाद ये जो जो चित्र है ये पहली बार देखने को मिल रहा है, और ये सब संभव हो सका है कि मंत्री जो डीएस सिंहदेव हैं उनकी जो संवेदनशीलता के कारण ये सारा चीज संभव हो चुका है। वो मंत्री ने ये भी बताया कि बिल्कुल पुरुषोत्तम, पूरे इस दौरे पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ लगातार हेमंत लाइव जुड़े थे, हेमंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।